हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुसु होम कुकिंग। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ऑरेंज बिस्किट से बहुत ही आसान तरीके से बर्थडे केक। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पतीला लेंगे, उसमें डालेंगे 1 कप के लगभग नमक। अब हाथों की मदद से नमक को अच्छे से फैला लेंगे और फिर इसको ढक के गरम होने देंगे। तो यहाँ पे लेंगे 4 ऑरेंज बाउंस बिस्किट्स और हम इन सबको नाइफ के मदद से क्रीम निकालेंगे अच्छे से। तो ये देखिए हमारा क्रीम निकल गया है। अब सारे बिस्किट्स को तोड़ के मिक्सर में इसका फाइन पाउडर बना लेंगे। तो ये देखिए फाइन पाउडर बन के तैयार है। तो हमको केक बनाने के लिए ऐसे ही पाउडर की ज़रूरत है। एक बाउल में जो हम पाउडर बना के तैयार किए थे वो सारे पाउडर को इसमें डाल लेंगे। अब 1 टेबल स्पून शुगर पाउडर डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 कप दूध डालेंगे इसमें और थोड़ा थोड़ा दूध डाल के अच्छे से मिक्स करते रहेंगे ताकि हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल अच्छा से परफेक्ट तैयार हो। तो इसको लगभग 15 मिनट तक ऐसे ही मिक्स करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा दूध डालकर जितना ज़रूरत हो। और इसको तब तक मिक्स करते रहेंगे जब तक हमारा बैटर रिबन फॉर्म में ना आ जाए। तो ये देखिए हमारा बैटर रिबन फॉर्म में आ गया है। तो हमें केक बनाने के लिए इसी तरह का बैटर चाहिए। तो हम इसमें 1 इनो का पैकेट डाल देंगे और इसमें ठंडा दूध डालेंगे और धीरे धीरे स्पून की मदद से मिक्स करेंगे। अगर हम जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे तो इनो का सारा रिएक्शन ख़त्म हो जाएगा और हमारा केक अच्छा से नहीं फूलेगा। तो प्लीज़ इसको धीरे ही धीरे मिक्स करिएगा। तो अब एक कटोरी में ऑयल लगा लेंगे अच्छे से। अब जो बैटर तैयार किए थे वो डाल देंगे। अब थोड़ा सा बैटर को टैप कर लेंगे इस तरीके से। अब ये गर्म हो चुका है, अब इसमें बैटर हम डाल देंगे और इसको ढककर लो फ्लेम पर 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब 30 मिनट के बाद इसका ढक्कन हटाएंगे। अब ये देख सकते हैं कि केक कितने अच्छे से फूलकर तैयार हुआ है। अब नाइफ की मदद से इसको चेक कर लेंगे। देखिए नाइफ बिल्कुल क्लीन है, ये बेक हो चुका है। अब इसको निकाल लेंगे। अब केक को ठंडा होने देंगे। अब जो क्रीम निकाले थे उसमें 1 टेबल स्पून दूध डालेंगे। अब धीरे धीरे इसको मिक्स करते रहेंगे जब तक ये क्रीम फॉर्म में ना आ जाए, तब तक इसको मिक्स करते रहेंगे। अब ये एकदम स्मूथ क्रीम बनकर तैयार है। अब 10 रुपीज़ वाला डेयरी मिल्क हम ले लेंगे। अब एक छोटे से बाउल में सारे चॉकलेट्स को तोड़ के डाल लेंगे। 1 टेबल स्पून ठंडा दूध डालेंगे। अब एक पैन में थोड़ा सा पानी गर्म करेंगे। अब हम सारे चॉकलेट्स को डबल बॉयलर की मदद से मेल्ट कर लेंगे ताकि चॉकलेट्स आपके जलेंगे नहीं और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। इस तरीके से मेल्ट करने से अब ये चॉकलेट्स अच्छे से मेल्ट हो चुका है। हम चॉकलेट को इतना ही मेल्ट करेंगे। केक अब ठंडा हो चुका है। अब नाइफ की मदद से इसको क्लीन कर लेंगे। अब अच्छे से केक को निकाल लेंगे। अब केक को हम अच्छे से पलट लेंगे। देखिए केक कितना अच्छा से हमारा बेक हुआ है, कितना अच्छा से स्पॉन्जी बना है। अब जो क्रीम तैयार किए थे वो स्पून की मदद से अच्छे से लगा लेंगे, साइड से भी लगा लेंगे। जो हम चॉकलेट क्रीम तैयार किए थे उससे हम डेकोरेशन के लिए हैप्पी बर्थडे लिख रहे हैं, आप और कुछ भी लिख सकते हैं। अब ये ऑरेंज केक बनकर तैयार है। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।